हेलो एवरीवन, दिस इज़ मलक इश्फाक एंड यू आर वाचिंग कश्मीरी डीएनए यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है क्योंकि इंडिया पोस्ट ऑफिस पेमेंट बैंक की तरफ से रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं। आप यूटी में किसी भी सिटी से हो, आप इन वैकेंसीज़ के लिए एलिजिबल बन जाते हो। मेल एंड फीमेल के लिए वैकेंसीज़ हैं एंड दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छा पोस्टर्स हैं, सेंटर का पोस्टर्स हैं, डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि इस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, सैलरी क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, मतलब सारा कुछ हम डिटेल में कवर करेंगे। इससे पहले मैं वीडियो को शुरू करूं, चैनल पे नए हैं, आप चाहते हो इसी तरह से आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलते रहें, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करना ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना, लाइक करने से हम मोटिवेट होते हैं आपके लिए नए नए वीडियो बनाने का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से आप ये नोटिफिकेशन देख सकते हो जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इंडिया पोस्ट ऑफिस की। यहाँ से आप एरोस्टाइज नंबर देख सकते हो IPPB/CO/HR/REET/2023/24/03। बेसिकली इसमें आपका बैंक जॉब रहने वाला है। आपको पता ही होगा इंडिया पोस्ट ऑफिस काफ़ी साल से बैंक का काम भी करता है। अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें, 26 जुलाई 2023 से आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसका लास्ट डेट 16 अगस्त 2023 रहने वाला है। लगभग एक महीना होगा आपके पास, डेफिनेटली आपको यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ से आप पोस्टर्स देख सकते हो जो बेसिकली एग्जीक्यूटिव का पोस्टर्स आउट हो चुका है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप टोटल पोस्टर्स देख सकते हैं 132। अगर हम एज लिमिट की बात करें, अगर आपकी एज मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 ईयर्स तक हैं तब आप इस प्रोफाइल के लिए एलिजिबल बन जाते हो। ये जो पोस्टर्स हैं ये कैटेगरी वाइज पोस्टर्स आउट हुई हैं, आप यहाँ से देख सकते हो। UR के लिए 56 पोस्टर्स आउट हुई हैं, EWS के 13, OBC के 35 पोस्टर्स आउट हुए हैं, ऐसे ही SC के 19 और ST के 9 पोस्टर्स आउट हो चुका है। ये जो पोस्टर्स हैं ये स्टेट वाइज पोस्टर्स हैं, आप यहां से देख सकते हो। आसाम के 26 पोस्टर्स आउट हुई हैं, छत्तीसगढ़ के 27, हिमाचल प्रदेश के 12, जम्मू एंड कश्मीर के 7 पोस्टर्स आउट हुई हैं, लद्दाख के 1, अरुणाचल प्रदेश के 10, मणिपुर के 9, नागालैंड के 9, त्रिपुर के 5, उत्तराखंड के 12। ग्रैंड टोटल की बात करें 132 पोस्टर्स आउट हुई हैं। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करें, इस प्रोफाइल के लिए ग्रेजुएट वाले अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद क्वालिफाइड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये था सिलेक्शन प्रोसेस। अब हम सैलरी की बात करें, सैलरी आपको पर मंथ 30,000 दिया जाएगा। अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी लोकेशन की बात करते हैं, अगर हम सेलेक्ट हुए तो क्या पता हमें कौन सा लोकेशन दिया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, जब आप फॉर्म को फिल करोगे वहां से आपको प्रेफरेंस देना होगा। नेक्स्ट हम फी की बात करें, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज रखा गया है, बाकी कैटेगरीज जो कैंडिडेट्स हैं उनको 300 रुपीज पे करना होगा। बाकी ये PDF आपको WhatsApp और Telegram में मिल जाएगा, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।